हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फल एवं सब्जी मंडी एक सप्ताह बंद की घोषणा के बाद सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सब्जी विक्रेताओं ने सब्जियों के दामों में की दोगुनी तिगुनी बढ़ोतरी। नगर में एक सप्ताह के लिए सब्जी मंडी एवं फल मंडी बंद करने की घोषणा के बाद लोगों की भीड़ सब्जी मंडी में इस कदर उमड़ पड़ी कि गाइडलाइन की धज्जियां ही उड़ती दिखाई दी। उल्लेखनीय है कि सब्जी मंडी एसोसिएशन ने शुक्रवार को ये घोषणा की थी कि रविवार 16 मई से आगामी रविवार 23 मई तक सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी, जिसके चलते आज शनिवार को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतना ही नहीं, सब्जी विक्रेताओं ने अवसर का लाभ उठाते हुए सभी सब्जियों के दाम भी दोगुने एवं तिगुने वसूल किए। उल्लेखनीय है कि सोजत में इन दिनों किराना एवं अन्य खाद्य सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से अचानक सब्जी मंडी 7 दिन के लिए बंद करने की घोषणा का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को आगे फैलने से रोकना था, परंतु इसका उल्टा परिणाम एक दिन में ही देखने को मिल गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की गई एवं सब्जी विक्रेताओं ने भी मनमाने दाम वसूलने शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई। वहीं गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार एवं तहसीलदार दीपक सांकला द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।